हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 1, कहाँ कब और कैसे। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। घूमते घूमते वे लोग ऐसे पंडाल में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था। राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी, माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली, पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो आपने कक्षा 6 में हर्षवर्धन के शासनकाल तक का समय पढ़ा था। अब हम इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि हर्ष के पहले के भारत और बाद के भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं और जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखने लगे। आगे की चर्चा में हम मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी, जो कि 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक है, लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ। इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने किया। बौद्ध विहार की इस भूमि को अर्जे बिहार का नाम दिया और मुगल काल में अकबर ने इस प्रांत के रूप में गठित किया। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इनसे वाणिज्य व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों के विकास एवं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। आइए अब हम विभिन्न क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन पर एक नज़र डालें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों के आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेतों की कुड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था, बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल को भी तालाबों और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। कुओं से भी सिंचाई होती थी। कुओं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीक अथवा यंत्र प्रचलित थे। पानी को बाहर निकालने के लिए अरघट या घटी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होता था। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। रहट में जंजीर लगी होती है जो पानी को गहराई से निकाल पाना संभव बनाती है। वहीं दांतेदार पहिए इसे पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति को ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। आज भी कई गांवों में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ जो हम तस्वीर बाईं तरफ ऊपर में देख रहे हैं वह रहट का तस्वीर है। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथों से चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। धुनिए की कमान भी संभवतः इसी समय भारत में आई। जहां
तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वहीं चरखे से सूत काटने में गति काफ़ी बढ़ गई। जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया, सूती कपड़े की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग तार के पत्तों का अधिकतर प्रयोग करते थे, परंतु मध्ययुग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इससे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में काफ़ी वृद्धि हुई, व्यापारिक लेन देन में भी काफ़ी सुविधा हुई। उस काल की रचनाएं आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित है। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में भी समुद्री जहाजों पर चुंबकीय कुतुबनुमा, जिसे कि दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, का प्रयोग हुआ। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हुई। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद, जिसे कि दिल्ली भी कहते हैं, में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय का सही सूचना दी जाती थी। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण आविष्कार इस समय हुए। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई। इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। दूसरा आविष्कार था लोहे का नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। नाल लगाने के दो लाभ थे। पहला, इससे नरम जमीन पर घोड़े के पैर को अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी, और दूसरा, खुरदरे कठोर धरातल पर खुर सुरक्षित रहते थे। भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ, जिससे युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए, परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों के आगमन के बाद ही संभव हुआ। नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय से ही इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे। ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। ऐसे ही एक व्यापारियों का समूह अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिम तट से होकर भारत आया। धीरे धीरे इनमें से कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म में लोग यह मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाला पैगंबर है। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। अरब लोग अपने साथ अपने यहाँ के रीति रिवाज, पहनावा और पकवान लेकर भी आए। इनके प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि प्रमुख है। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत में लेकर आए। अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। इस संपर्क से ज्ञान विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में स्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिलीजुली परंपरा का विकास हुआ। इसे ही गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिला सिंधी के एक अरबी गीत का उदाहरण दिया है, जिसमें वह भारत के दिल खोलकर प्रशंसा करता है। इस समय स्थानीय धर्म में भी काफ़ी बदलाव आए। इस देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें कई तरीकों से पूजते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम अथवा हवन भी करते थे, जिसे यज्ञ कहा जाता था। मध्ययुग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिला। यूं तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल अथवा खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करना करते थे।
जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ संप्रदाय कहलाती हैं। गुप्त काल में मातृदेवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्रीकाली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान योग तथा चर्या की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। उनके दोहे आज भी आप आम आदमी द्वारा सुनते होंगे एवं हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते होंगे। इन लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्म कांड के प्रेम, भाईचारा एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्ति संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्ति कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरीफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। आइए अब देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय। अभी आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों ने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे और कहाँ से आए, इस पर इतिहासकार का एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। इस काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियाँ सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय हैं। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। इस समय बिहार में बहुत से जनजातीय समूह का उदय हुआ जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरो लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर जो कि शाहबाद जिला में है पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिसके दो बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाएं से जुड़े हैं। आइए अब देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए। वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। वे जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियाँ स्वयं अपना नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। अब इस बचे हुए अध्याय के शेष भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।